बीते दिन दशहरा पर जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी सन्यासी परंपरा के नागा सन्यासी अखाड़ों में शस्त्र पूजन विधि का विधान है। पिछले 2500 वर्षों से दशनामी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन करते हैं। अखाड़ों में प्राचीन काल से रखे सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों को देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके साथ ही आज के युग के हथियार और प्राचीन काल के कई प्रकार के हथियारों की पूजा मंत्रोच्चारण के साथ की गई। वहीं सनातन धर्म का विरोध करने वालों पर संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। प्राचीन काल से परंपरा रही है, शास्त्रों की जो इसे हम पूजा करते हैं उसी प्रकार शस्त्र भी उसका एक अंग है। और भगवती शक्ति ने शस्त्रों को धारण करके ही दुष्टों का संहार किया था। आश्विन के नवरात्र के समापन के बाद में विजयदशमी का पर्व, भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, रावण का वध हुआ था, उसका प्रतीकात्मक रूप से रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का जैसे दहन करते हैं, इसी प्रकार से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होनी कामनाओं के साथ श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश जो भाले के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, भगवान श्री कपिल महामुनि जी के आशीर्वाद से पंच परमेश्वर के सभी श्री महंत कारोबारी गण संतों ने मिलकर के आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में शस्त्रों की पूजा की है। साल में एक बार होता है और ये प्राचीन परंपरा अखाड़ों की, शंकराचार्य भगवान ने जब अखाड़ों की स्थापना की थी तो जो विधर्मियों शास्त्र के द्वारा नहीं मानते थे उसमें शस्त्र का प्रयोग हुआ, तभी से ये परंपरा चल रही और इसका आज विधि विधान से षोडोपचार पूजन हुआ। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई अखाड़ों की परंपरा में शस्त्र पूजन का काफी महत्व माना जाता है, इसलिए सदियों से अखाड़े इस परंपरा को निभा रहे हैं। इन शस्त्रों को कुंभ की पेशवाई में भी सबसे पहले माँ गंगा में स्नान करने के बाद नागा सन्यासियों की पूरी जमात गंगा में स्नान करती है।